हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो IBPS का हो, या फिर आपको SBI हो, RBI हो, SSC, रेलवे, या फिर कोई भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स हो, आपको हर जगह पे ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में मिलते ही मिलते हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक पज़ल के फॉर्म में दिया हुआ है, छोटे से पज़ल के फॉर्म में। तो जैसे ही आप इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 1 में भी हर जगह पे आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए बताया हुआ है, तो आपका ये जो आंसर जो है अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हम लोग इसका फैमिली ट्री बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर है। तो ये फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, तो एक फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, PQR XYZ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन को समझेंगे, और जो हमारा अगला पार्ट होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो क्यू इज़ द सन ऑफ आर, बट आर इज़ नॉट मदर ऑफ क्यू। देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि क्यू जो है वो आर का सन है, तो आर क्या हो जाएगा, सन है तो मेल हो जाएगा, और जब मेल है तो उसको हम लोग प्लस से दिखाते हैं। तो क्यू इज़ सन ऑफ आर, ये पार्ट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्यू प्लस है और आर का बेटा है। बट आर इज़ नॉट मदर ऑफ क्यू, अगर आर मदर नहीं है तो क्या होगा, आर फादर होगा, तो फादर को हम लोग क्या दिखाते हैं, प्लस से। और जनरेशन गैप होता है, एक बेटे और बाप में एक जनरेशन गैप होता है, तो हम लोगों ने एक लाइन दे दिया है, इससे ये पता चलेगा कि ये जनरेशन गैप है। सो आर क्या है, मदर नहीं है क्यू का, आर क्या है, फादर है। तो ये पहला जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हो गया। पहला स्टेटमेंट में कुछ था नहीं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट में 6 मेंबर हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, PQR XYZ। सेकेंड में जो था, जो दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया बहुत ही ईजिली। फिर कह रहे हैं पी एंड आर आर मैरिड कपल, सो पी और आर के बीच जो है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। अब देखिए, आर जब हस्बैंड है तो पी क्या हो जाएगी, वाइफ, और वाइफ क्या हो गई, फीमेल, तो हमने माइनस साइन दे दिया। और हस्बैंड वाइफ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग डबल लाइन देते हैं, इससे ये पता चले कि दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। आप इसमें एक लाइन भी दे सकते हैं, 3 लाइन भी दे सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे दे सकते हैं, ये बस डिनोट करने का एक तरीका है। तीसरा स्टेटमेंट जो है हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथे स्टेटमेंट पर, वाई इज़ ब्रदर ऑफ आर, मीन्स वाई जो है वो आर का भाई है, तो आर यहाँ पे हुआ, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई इस साइड हो जाएगा, और वाई ब्रदर है तो वो क्या होगा, प्लस सिंबल होगा, क्योंकि जब ब्रदर है तो क्या होगा, वो मेल होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस सिंबल दे दिया। तो वाई इज़ ब्रदर ऑफ आर, ये हम लोगों ने बहुत ईजिली ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, एक्स इज़ डॉटर ऑफ पी, मीन्स एक्स जो है वो पी की डॉटर है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो एक्स अगर पी की डॉटर है तो आर की भी डॉटर हो गई, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, आर और पी जो है आपस में पति पत्नी का रिलेशन है इन दोनों के बीच, तो एक्स क्या हो गई, दोनों की बेटी हो गई, और क्यू क्या है, दोनों का बेटा है। तो अब देखिए, इन दोनों के बीच, क्यू और एक्स के बीच क्या हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के माता पिता क्या है, सेम है। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट जो है ये भी हम लोगों ने इजिली ड्रॉ कर लिया, यहाँ तक हम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पांचवा जो है, जेड इज़ द ब्रदर ऑफ पी, जेड जो है वो पी का भाई है, तो अब देखिए यहाँ से जेड जो है वो पी का भाई हो जाएगा, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जेड जो है वो क्या, भाई है, तो जेड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेल है, तो मेल हो गया तो प्लस हो गया। अब ये जो है हम लोग का एक फैमिली ट्री डायग्राम है, जो कि हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया इन गिवन स्टेटमेंट के थ्रू, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ था और इससे हम लोग को फाइनल का जो है ये डायग्राम मिला। अब क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, मीन्स आर के जो हैं ब्रदर इन लॉ कौन सा है। तो अब देखिए, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, और आर की पत्नी का भाई, देखिए ब्रदर इन लॉ को हिंदी में हम लोग साला बोलते हैं, तो साला क्या होता है, पत्नी का भाई, तो हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, सो आर की पत्नी हो गई पी, और पी का भाई हो गया जेड। तो हम लोग का पहला जो है क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा जेड, मतलब आर का जो साला है, आर की पत्नी का भाई है, वो कौन है, जेड है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, सो इस फैमिली में कितने फीमेल मेंबर्स हैं। तो अब देखिए, एक आर की पत्नी है जो फीमेल है, और एक आर की बेटी है, सो टोटल जो है 2 फीमेल मेंबर्स हैं जो हम लोग को फैमिली ट्री मिला हुआ है, या जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू एक्स, मीन्स क्यू और एक्स के बीच क्या रिलेशन है। तो क्यू जो है एक्स का क्या है, भाई है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ब्रदर सिस्टर का है, और क्यू जो है एक्स का क्या है, भाई है, तो ये भी हम लोग को पता चल गया। हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू पी, वाई के बीच और पी के बीच क्या रिलेशन है, वाई और पी के बीच क्या रिलेशन है। तो अब देखिए,
आपके जो हस्बैंड के भाई होंगे वो क्या होंगे, आपके ब्रदर इन लॉ। पी के हस्बैंड का भाई वो क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, क्योंकि पी के हस्बैंड का भाई पी का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक, अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू वाई, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वाई पी से किस तरह का रिलेशन है, तो वाई जो है वो ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है पी के साथ, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।